हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ मैंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है मैं OLX फ्रॉड के साथ जो है रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि ये जो है पहले से ही चलता आ रहा है, ये जो फ्रॉड है, पहले ये जो है बैंक अकाउंट ATM और OTP के जरिए से फ्रॉड करते थे, लेकिन अब जो ये OLX का ये जो मतलब ये एक जो है ऐप है जिसमें आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो इसमें आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में। तो फ्रेंड्स, इसके जो है मेरे साथ भी एक फ्रॉड का बात हुआ है, तो उसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आज सुनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, और इससे बचने के लिए जो है तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा या वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल जो है मैं आपको फ्रॉड के साथ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये अभी बहुत हो गया है। जो भी बंदा जो OLX चला रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये OLX जो ऐप है, आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे, OLX ऐप चलाते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी चलाते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है OLX ऐप जिसमें आप सेल या बाय कर सकते हैं, कोई भी पुरानी चीज़ को या नई चीज़ को भी आप बेच सकते हैं आसानी से, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसको जो है कुछ फ्रॉड्स ने मतलब एकदम बदनाम कर दिया है, और ये जो है पहले कम था, लेकिन अभी जो है ये बढ़ते ही जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर एक एरिया में एक एक फ्रॉड आ गए हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ये बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं मेरे पास। मतलब मेरे पास ऐसे 5-6 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं फ्रॉड लोगों के, और उनसे बात भी हो चुका मेरा 5-6 बार। तो उनमें से एक का जो है मैं चालाकी से मैं उससे फिर फ़ोन लगा के मैं उससे बात किया हूँ, ताकि मैं यूट्यूब में उसे अपलोड कर सकूँ। और ऐसे मैं फ्रॉड से बात किया हूँ, तो मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग अभी इस वीडियो में आज सुनाने वाला हूँ। तो चलिए, आप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो रिकॉर्डिंग जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं फ्रॉड के साथ बात किया हूँ। इसमें कुछ पार्ट्स को जो है मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है, मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट्स को काटा है जो कि मतलब वीडियो को लंबा कर देते, तो मैंने जो है इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ही जोड़ के एक ऑडियो बनाया है इसको। हेलो, आपने अपना फोन पे चालू कर लिया? हाँ, कर लिया। तो ये कितने रुपए में बात हुआ बेटा? ये मेरा 3,000 में बात हुआ सर आपसे। तो ठीक है, तो मैं पहले आपको 5 रुपया डालता हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है? हाँ, मैं आपको स्कैन करके पेमेंट डालूंगा, जब आपके में 5 रुपया जमा हो जाए मैं बाद में डालूंगा आपको, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है। बेटा अपना व्हाट्सएप चेक करो। हाँ, व्हाट्सएप चेक करो अपना। हाँ ठीक है, फोन पे ओपन करो बेटा। हाँ, मैं अपना QR कोड आपको भेज देता हूँ, आप उसमें भेज देना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो आप QR कोड मत डालो मेरे को। तो हाँ, मैं आपको ये क्या बोलते कोड भेजता हूँ। तो को QR कोड मत डालो बेटा। तो ये QR कोड से नहीं हो पाएगा, मेरा मर्चेंट अकाउंट है, अपना QR कोड से नहीं हो पाएगा। हाँ तो क्या भेजे सर? हेलो, हाँ वो मेरे को आपने दिया था, वो ये तो आपका चेक टू वाला नंबर है बेटा, है ना? हाँ हाँ, ये आपका सुबह आपका फोन पे था, अब ये आपका इनकरेक्ट बता रहा, आपने इस नंबर पे अकाउंट हटा दिया है आपने। वो मेरा अकाउंट सर खराब हो गया, चल नहीं रहा है, वो वाला लॉगिन नहीं कर पा रहा। अभी तो फिर पैसा देने पे पैसा आपको डाल भी दूँ तो पैसा आपका किधर जाएगा? आपका अकाउंट में तो जाता ना पेमेंट। हाँ तो मैं आपको QR कोड भेजता हूँ ना सर, मेरे पास है इसका, ये पेटीएम का है। बेटा सुनो, वो QR कोड से भी नहीं जाएगा, फिर वो वॉलेट में वॉलेट नहीं आता है, फिर मेरा पैसा पैसा चला जाएगा ना, आपका रहेगा ना मेरा रहेगा, जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा तब आपका अकाउंट में जाएगा। नहीं सर, मैं वो वाले नंबर चेक से अकाउंट लिंक है ना, मैं आपको QR कोड भेजता हूँ, फिर आप भेज देना। सुनो, अपना और किसी का नंबर दे दो, QR कोड से भी नहीं हो पाएगा बेटा, वो आपका जब अकाउंट लिंक होता तो आपका अकाउंट में जाता पेमेंट। अरे अंकल जी, अकाउंट मेरा लिंक है, ये वाला नहीं है, मेरा दूसरा नंबर है, मैं आपको दे रहा हूँ। अपना दूसरा नंबर सुनो, अपना दूसरा नंबर बोलो। नहीं तो वो दूसरा नंबर का मैं आपको जो है 3,000 का QR कोड आपको बना के भेजता हूँ, फिर आप उसमें जो है स्कैन करके डायरेक्ट पैसा डाल देना। क्या? तो मैं आपको 3,000 का QR कोड मतलब QR कोड बना के भेज रहा हूँ, तो आप दूसरे में मोबाइल से मतलब अपने फोन पे वॉलेट से जो है स्कैन करना और फिर 3,000 रुपये भेज देना मेरे को। नहीं ये स्कैन नहीं, मेरा FIP का मर्चेंट अकाउंट है, स्कैन पे आपको 5 रुपये डालूंगा तो अपना दूसरा वाला नंबर बोल दो मेरे को एक बार। अरे तो अंकल जी, स्कैन करोगे तो पैसा तो डाल सकते हो, आप मर्चेंट है तो क्या हो गया? मेरी बात सुनो, मेरा FIP का मर्चेंट अकाउंट है, मेरे पास स्कैन नहीं आएगा ना, मेरे पास में कोई रिक्वेस्ट आता है, अपना दूसरा नंबर बोल दो फोन पे का। तो आपका वॉलेट तो होगा?
मर्चेंट अकाउंट मेरे पास मेरा सुनो मेरा जैसे मैं आपको पेमेंट डालूंगा आप एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा मैं फर्स्ट टाइम 5 रुपया डालूंगा जब आपके में 5 रुपया बढ़ जाएगा तब बाद में आपको पेमेंट डालूंगा 3000। अच्छा अपना नंबर बोलो दूसरा वाला अपना। तो अंकल जी मेरे को एक्सेप्ट क्यों करना पड़ेगा? एक्सेप्ट तो मेरे को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, आप सिर्फ सीधा जो है नंबर लोगे। मैं इसलिए मैंने आपको 5 रुपया डालूंगा मैं आपके जैसे आपको चेक करेगा तो अरे अंकल जी 5 रुपया डालने का चेक करें 5 रुपया डालने का आप क्यों कष्ट करोगे? डायरेक्ट आप 3000 डाल देना मेरे अकाउंट में, मेरे में मैसेज तो आ ही जाए। हेलो अंकल, यहाँ तो शोर हो रहा था इसलिए मैं काटा था फोन। हाँ तो अब आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा जैसे आपका अकाउंट हो जाएगा ठीक है, हाँ हाँ वो अपना अकाउंट से स्टोर कर लेना, आपको खाली अपना अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, खाली क्रेडिट क्रेडिट। हाँ ठीक है। हाँ मैं भारत पे से डालूंगा आपका सुबह, अभी तो हो नहीं पाएगा, देखो अभी हो जाएगा तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अपना अकाउंट लिंक कर लो। हाँ मेरा अकाउंट लिंक है सर। अपना अकाउंट लिंक है तो अपना नंबर बोलो एक बार। हाँ तो मैं आपको QR कोड भेज देता हूँ डायरेक्ट। तो QR कोड देते तुम उसका नंबर दे दो ना, नंबर से भी तो बना रखा होगा ना आपने। अरे तो अंकल मेरे को नंबर समझ नहीं आ रहा है ना, कौन सा नंबर है, बात तो वही है, मेरे को डायरेक्ट इसमें QR कोड दिख रहा है मेरे वॉलेट में कि इसमें स्कैन और पे करो ऐसा करके। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। हाँ तो तेने मेरे को सुबह सेंड किया था QR कोड ठीक है, हाँ उसमें कोई नंबर नहीं था, वो पैसा फिर किधर जाएगा? वो आपने जो फोन पे का नंबर होता है तो उसमें अकाउंट में नंबर भी नहीं करना पड़ता है ना। अंकल एक बार कोशिश करके देखो उस QR कोड में 5 रुपया भेजने का, फिर मैं आपको बता दूंगा आ गया तो ठीक है। देखो देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपको QR कोड में 5 रुपया डाल दूंगा। हाँ ठीक ठीक, तो वह 5 रुपया किधर जाएगा? उसमें कोई नंबर भी तो नहीं है ना, QR कोड आपका व्हाट्सएप नंबर से तो आएगा ना, वह नंबर अकाउंट से तो अपडेट करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ तो वो अपना नहीं तो एक्सेप्ट क्यों करना पड़ेगा अंकल? मैं आपको थोड़ी पे कर रहा हूँ, आप मेरे को पे कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करूंगा तो मैं तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। पे तो मैं आपको करूंगा ठीक है। हाँ जो आप QR कोड भेजेगा तो वो तो फोन पे का भी अपने आप QR कोड निकल जाता है, जब अकाउंट लिंक हो जाता है तो उसमें नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे मैं आपसे कॉल कर रहा हूँ। हाँ। ये नंबर मेरा फोन पे का है ठीक है। हाँ। तो वो आप अपना जैसे मैं स्कैन भेजूंगा आपको QR कोड भी भेजूंगा ठीक है। हाँ। तो मेरे को जैसे पे करेगा तो मेरे पास में नहीं आएगा पैसा ना, आपके पास में जाएगा, वो आपका नंबर लगाना पड़ता है अकाउंट में। अच्छा ऐसा होता है, जैसे आपका ये नंबर है ठीक है, मतलब आप अभी मेरे को सिखाएंगे कि कैसे होता है पे और कैसे तो, मतलब आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा ना? डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड क्यों लगे, क्रेडिट कार्ड का नंबर देता हूँ मैं आपको। क्रेडिट कार्ड का नहीं, वो डेबिट कार्ड का नंबर होता है ना, जो डेबिट कार्ड का नंबर मेरे को फोटो पे व्हाट्सएप पे डालो, मैं अभी 10,000 आपके अकाउंट में चला जाएगा। अरे तो अंकल डेबिट कार्ड का डालूंगा तो मैं मेरे में से कटेगा पैसा, वो आपके में कैसे जाएगा? आप कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ कार्ड नहीं दे, आपको अपना अकाउंट में फोन पे लगाना पड़ेगा कार्ड, आपको मेरे को क्यों देगा? आप ही तो बोले अभी कि मेरे को डेबिट कार्ड का व्हाट्सएप में डालो तो नहीं, वे आपको सुनो, वे आपको अपना अकाउंट में कार्ड सिक्स नंबर लगाना पड़ता है, जब आपका अकाउंट में तो जमा होगा ना पेमेंट, आपके अकाउंट में तो जाएगा ना। तो मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ मैं, अकाउंट में भेजो डायरेक्ट। अकाउंट में नहीं जाएगा वो, आपको देखो और किसी का नंबर हो तो किसी का नंबर। बात ये है कि तुम ऐसे करके सब लोग OLX के जरिए ये फोन पे का तुम फ्रॉड कर रहे हो, मेरे को सब पता है। तुम लोग एक्सेप्ट पेमेंट करके तुम लोग जो है वहाँ पे मैसेज लिखोगे एक्सेप्ट पेमेंट करके और मेरे को वहाँ पे भेजोगे 3000 का, तो बात ये है कि मेरे में पैसा नहीं आएगा, तुम्हारे में पैसा जाएगा, समझे? मेरी बात सुनो, मेरे को मैं स्कैन थोड़े डालूंगा ना, आपको क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना आपको अपना अकाउंट में। नहीं नहीं क्रेडिट वेडिट करने का कुछ नहीं लगता, मैं भाई मैं यहाँ पे सब यहाँ पे मर्चेंट हूँ, मेरे पास पेटीएम फोन पे फ्री चार्ज की क्या बोलते हैं, तू मेरे को एक्सेप्ट करवाएगा, मैं यहाँ रोज 1000 लोगों का पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आता है, समझा?
तुम मेरे को मत सिखाओ। और यहाँ का आज का दुनिया में आपने मर्चेंट अकाउंट से पेमेंट नहीं लिया होगा, ठीक है, आपने HDFC के क्रेडिट कार्ड से लिया होगा, ठीक है। ये जो मैं QR कोड भेजा हूँ, ये मेरा QR कोड है, क्या कर लेगा बोल, किसका QR कोड चाहिए तेरे को बता। जैसे मैंने, जैसे आपने मेरे को QR कोड डाला है ऐसा, तो अब मैं भी डाल सकता हूँ, पर वो फोन पे अकाउंट में लिंक नहीं है ना, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मेरा भाई, मेरा लिंक है इसमें, मेरे को रोज 1000 लोग पेमेंट कर रहे हो, तू कैसे सिखा रहा है भाई। मैं फोन पे लगवा के बैठा हूँ, यहाँ पेटीएम लगवा के बैठा हूँ, रोज 1000 लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, और तू बोलता है कि एक्सेप्ट करना है। मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे को सब स्कैन करते हैं, पे करके चल देते हैं। मैं देखो आपसे मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं अब मेरे लड़के के पास में नॉर्मल अकाउंट होगा तो आपको डायरेक्ट पे कर देगा, ठीक है। नहीं लेना है आपको सामान तो आप पहले सामान आओ देख लो, फिर पेमेंट कर देना आप मेरे से फोन में बात करके, वो कोई बात नहीं है। आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप फ्रॉड हो, समझे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप फ्रॉड हो, आप मेरे को 2-3 बार कॉल कर रहे हो, इतना क्या आपको पेमेंट देने का है कि आप मेरे को कॉल कर रहे हो भाई बार बार। वो आपने तो कॉल किया है मेरे को। हाँ तो मैंने किया है, लेकिन उससे पहले तो आप मेरे को परेशान कर रहे थे जी। मैं अभी कॉल करता था। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे ये फ्रॉड जो है फ्रॉड करते हैं फोन पे के जरिए, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। तो कि फ्रेंड्स ये है कि आप फोन पे में अगर किसी से भी से बचने के लिए, बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप किसी को भी एडवांस में पेमेंट मत दीजिए, और किसी से भी एडवांस में पेमेंट लेने के लिए बात मत कीजिए, क्योंकि एडवांस में पेमेंट देने के बहाने वो जो है आपसे मनी फ्रॉड कर लेता है, जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में देखा, और आप यहाँ पे भी ये सब स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जैसे कि ये सब जो है आपको यहाँ पे लिखाया रहता है कि एक्सेप्ट पेमेंट करके उन लोग लिख के भेजते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे में पे का बटन रहता है, जो जानकारी नहीं होता है जिनको, वो पे पे क्लिक करके अपना UPI कोड डाल करके और प्रोसीड करते हैं, तो पेमेंट आपको आने के वजह फ्रॉड के अकाउंट में चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो है फ्रॉड आपका आपके अकाउंट से जो है पैसे निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और इसी प्रकार से डेबिट कार्ड से भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब फ्रॉड से बचिए। आप किसी को भी अपने पर्सनल अकाउंट डिटेल्स या किसी भी बैंक डिटेल्स के बारे में कोई भी फोन कॉल पे विश्वास करके प्लीज ना बताएं, बस मैं यही कहना चाहूंगा। और हो सके तो आप ट्रू कॉलर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ट्रू कॉलर में मैंने देखा है ज्यादातर फ्रॉड लोगों का नाम वहां पे लिखा जाता है, क्योंकि कोई ना कोई अगर एक जन के साथ भी फ्रॉड होता है तो वो वहां पे फ्रॉड नेम सजेस्ट कर देता है ट्रू कॉलर में, जो कि आपको कॉल आते टाइम शो हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था मैटर, और कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।